नमस्कार, एस पांडे यूट्यूब चैनल। पुनः क्लास 12th मैट्रिक्स 5.1 एक्सरसाइज का मैं मैथ का वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं पिछले वीडियो में 12 नंबर तक का क्वेश्चन बता दिया था, उस आधार पे जितने भी सवाल बनेंगे मैं बता दिया। अब मैं 14 का 1 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होगा और जो यूजफुल क्वेश्चन होगा मैं आपको 5.1 एक्सरसाइज का डील करूंगा। तो देखिए यहाँ पे 14 का 1, 5.1 एक्सरसाइज का ही है, किसी सिन्हा मैथ बुक का, ठीक ना। तो अब देखिए वीडियो शुरू से अंत तक देखें, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं कि आप कैसा आपको लगा, ठीक ना। तो देखिए बाबू, यहाँ पे दिया एक मैट्रिक्स एक्स प्लस वाई टू फाइव प्लस जेड एक्स वाई इजिकल टू 6258, है ना। तो कहता है एक्स और वाई का वैल्यू निकाले, एक्स और वाई का वैल्यू निकाले। तो सबसे पहले देखिए एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या है, 6। एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या है, 6। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा एक्स प्लस वाई इजिकल टू 6, चूंकि ये तुलनीय अभी है, तो वाई इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस एक्स। ये देखिए एक्स प्लस वाई इजिकल टू 6। अब देखिए वाई इजिकल टू, ये प्लस एक्स है, उस पक्ष की ओर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, वाई का वैल्यू प्राप्त हो गया। पुनः देखिए एक्स इंटू वाई इजिकल टू क्या है, 8। तो अब हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई इजिकल टू 8, क्योंकि एक्स इंटू वाई इजिकल टू 8 है। तो अब यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एक्स इंटू वाई इजिकल टू 8, तो एक्स इंटू वाई, तो वाई का वैल्यू क्या है, 6 माइनस एक्स। इसका हम पुट कर सकते हैं 6 माइनस एक्स इजिकल टू 8। अब यहां पर देखिएगा एक्स इंटू 6 6x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू क्या हो गया, 8। इजक्वल टू क्या हो गया, 8। अब देखिए इस टोटल टर्म को हम उधर ले जाएंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये उधर जाएगा तो उस पक्ष की ओर तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, क्यों, क्योंकि ये प्लस 6x है, जब ये टर्म उधर जाएगा तो माइनस 6x प्लस 8 इजक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसके इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड कैसे होगा, वो तो एक्स स्क्वायर, अभी गुणनखंड ये क्या घटाएं जो कि 6x हो जाए और दोनों को गुना करने के बाद 8 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इजक्वल टू 0। 4 और 2 कितना हो गया, 6, 4 दूनी 8। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट लोग, एक्स ये दोनों से कॉमन हो रहा है, एक्स कॉमन ले लिए, तो जब एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस क्या हो गया, 4, माइनस कॉमन ले लीजिए 2, माइनस 2 को आप कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस क्या हो गया, 4 इजक्वल टू 0, इजक्वल टू क्या हो गया, 0। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 4 कॉमन आ रहा है कि नहीं, एक्स माइनस 4, और फिर देखिएगा एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 कॉमन ले लिए, फिर क्या हो रहा है, एक्स माइनस 2 इजक्वल टू 0, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स माइनस 2। तो अब देखिए एक टर्म हो जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, तो एक बार हो जाएगा एक्स माइनस 4 इजक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इजक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा एक्स माइनस 2 इजक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इजक्वल टू 0। तो देखिए एक्स इजक्वल टू क्या हो गया, 4, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर एक्स इजक्वल टू क्या हो गया, 2, तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस 2। एक्स का एक वैल्यू 4 हो गया, एक्स का वैल्यू 1 2 हो गया, तो चूंकि वाई बराबर देखिए क्या है, वाई बराबर क्या है, 6 माइनस एक्स, तो वाई इजक्वल टू 6 माइनस, जब x का मान 4 रहेगा तो देखिए y इजक्वल टू 6 में से 4 जाएगा 2, y का वैल्यू 2। अब देखिए यहाँ देखिए जब x का मान 2 रहेगा तो 6 माइनस एक्स है, तो देखिए y इजक्वल टू 6 माइनस एक्स का मान 2 है, तो y इजक्वल टू क्या हो गया, 4। अतः x इजक्वल टू जब 4 होगा तो y इजक्वल टू 2, x का मान जब 4, y का मान 2। और ध्यान दीजिएगा जब जब एक्स इजक्वल टू क्या होगा, 2, तो वाई इजक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए अब फिर जेड का भी मान निकालने का रहा है, तो 5 प्लस जेड इजक्वल टू क्या है, 5, इसके स्थान पे क्या है, 5, तो देखिए पुनः 5 प्लस जेड इजक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इजक्वल टू 5, तो बराबर में जब एक जाता रहे तो वो कट जाएगा, क्योंकि ये देखिए +5 है, उस तरफ जाएगा -5, तो 5 5 कट जाएगा, तो जेड बराबर क्या हो गया, 0 आंसर, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। देखिए 5.1 का 14 का 3 नंबर सवाल बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां पे ये तुलनीय भी है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इजकल टू 9 5 7, ठीक ना। तो यहां पे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 9, समीकरण नंबर 1। फिर देखिए एक्स प्लस जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस जेड इजक्वल टू क्या है 5, समीकरण नंबर क्या हो गया 2, इसको समीकरण 2 मान लिए। फिर देखिए वाई प्लस जेड बराबर क्या है, वाई प्लस जेड बराबर क्या है 7, समीकरण नंबर कितना हो गया 3। अब देखिए हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ये क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो समीकरण 1 को 2 से पहले घटा दीजिए, समीकरण 1 को किससे घटा देंगे 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 9, और समीकरण 2 क्या है, एक्स प्लस जेड बराबर क्या है 5। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो माइनस कर देंगे, यहां माइनस कर देंगे। तो अब यहां देखिएगा ये प्लस जेड और माइनस जेड कैंसिल, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो केवल वाई बच गया। तो वाई इजक्वल टू 9 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा 4, तो वाई का वैल्यू आपका क्या हो गया 4। अब चलिए फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से घटा देंगे, समीकरण 1 घटा 3, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू क्या है 9। अब देखिए 3, समीकरण 3 क्या है, वाई प्लस जेड बराबर कितना है 7। तो अब यहां देखिएगा माइनस माइनस माइनस, अब देखिएगा प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो केवल बच गया एक्स। अब 9 में 7 जाएगा, क्या बचेगा 2, तो एक्स का मान कितना हो गया 2। अब देखिए अब हमको वाई और एक्स का मान प्राप्त हो गया, अब हमको जेड का मान निकालना है। तो समीकरण 2 और 3 में किसी से निकालते हैं, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड इजक्वल टू क्या है 5। तो अब यहां देखिएगा एक्स का मान कितना निकला है 2, तो 2 प्लस जेड इजक्वल टू 5। तो अब यहां देखिएगा 2 प्लस जेड इजक्वल टू 5, अब ये 2 उस पक्ष की ओर जाएगा, तो ये प्लस में माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो जेड इजकल टू 5 माइनस 2, जेड इजकल टू 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 3, तो जेड बराबर क्या हो गया 3। तो अतः ध्यान दीजिए एक्स इजकल टू 2, वाई इजकल टू 4, और जेड इजकल टू क्या हो गया 3, यही आंसर हो गया, ठीक ना। आप आराम से इसे देख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न 16 है, 16 नंबर का बताने जा रहा हूँ। 16 का ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना भी हो, तो कहता है कि ए प्लस बी निकालें। तो बहुत आसान सा तरीका है ये, पहला नंबर ए प्लस बी बहुत आसान सा ये है, और इसी के आधार पे सारा प्रश्न बन जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या है, देखिए 2 4 3 2, पहला नंबर ए प्लस बी निकालने का रहा, तो ए का मान पहले लिख दिए। फिर देखिए प्लस है बी, तो बी का मान कितना है, देखिए 1 3 माइनस 2 5। अब देखिए ये दोनों को क्या है जोड़ना है, तो देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 क्या होगा, जो जिस स्थान पे उसी स्थान से जुटेगा, 2 और 1 3, 4 और 3 कितना हो गया 7। अब देखिए 3 जोड़ घटा 2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 हो जाएगा, क्या बचेगा 1। अब देखिए 2 जोड़ 5 है, 2 और 5 कितना हो गया 7। तो अब देखिए ए प्लस बी का मान ये हो गया, ये पहला नंबर का आंसर है। अब देखिए दूसरा कह रहा है ए माइनस बी निकाला है, दूसरा क्या कह रहा है आपका, ए माइनस बी, तो दूसरा नंबर देखिएगा विद्यार्थी लोग, ए माइनस बी कह रहा है, तो ए माइनस बी यानी ए का मान क्या है, देखिए ए का मान क्या है 2 4 3 2, माइनस क्या है बी, बी का मान देखिए क्या है 1 3 माइनस 2 5 है ना। अब देखिए इसका अंतर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी लोग क्या लिख रहे हैं, अंतर लिख रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 1, 4 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 1, 3 घटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 2 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 घटा 5 क्या हो जाएगा -3, तो ये आपका ए माइनस बी हो गया, ये आपका क्या हो गया ए माइनस बी। तो अब देखिए a माइनस बी निकालने के लिए कर, अब क्या कर रहा है 3a माइनस c कह रहा है निकालने के लिए, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है 3a माइनस c,
थ्री ए माइनस सी, इसका मतलब ए जो है थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद घटेगा सी से, तो थ्री इंटू ए लिख देंगे। तो ए का मान कितना, देखिए 2 4 3 2, माइनस क्या है सी, सी का मान क्या है देखिए तो -2 5 3 4, जो एक जैसा बनेगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक ना। 3 दूनी 6 3 चौके 12, 3 तिया 9 3 दूनी 6, ठीक। माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, -2 5 3 4, है ना, तीसरा नंबर का ये क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण। अब देखिए 6 घटा घटा क्या हो गया 2, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 12 घटा 5, 12 में 5 जाएगा 7, देखिए 9 घटा 3 कितना हो गया 6, अब देखिए 6 घटा 4 कितना हो गया 2, तो इसका मतलब तीसरा जो 3a - c हुआ, इसका आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर यानी ए प्लस बी का आंसर ये, ए माइनस बी का आंसर ये, और 3a - c का आंसर ये, ठीक ना। बहुत ही आसान से ये सारा चैप्टर बनने वाला है। देखिए जितना भी इसके पहले का जो सवाल है, सारा है मैट्रिक्स जोड़ के रूप में और घटा के रूप में, तो वो सब बना सकते हैं, जो थोड़ा सा लगे कि कुछ बनाने लायक है, तो मैं वो उसी सवाल को केवल बता रहा हूँ, ठीक है। 5.1 एक्सरसाइज KCC ट्वेल्थ मैथ बुक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक्स और वाई का मान निकालना है, तो ये सवाल है 23 का 1 नंबर का, ठीक है ना। तो देखिए 2 गुना x ये क्या हो गया 2x, 2 गुना 5 कितना हो गया 10, 2 गुना 5 कितना हो गया 10, ध्यान दीजिएगा 2 गुना 5 कितना हो गया 10, फिर देखिए 2 गुना 7 कितना हो गया 14, फिर देखिए 2 गुना y 2y माइनस 2 गुना 3 6 हो गया, ये प्लस देखिए 3 4 1 2 इजिकल टू क्या दिया है 7 14 15 14। अब यहां देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 2x प्लस क्या है 3, फिर देखिए 10 जोड़ 4 कितना होगा 14, फिर देखिए 14 और 1 कितना हो गया 15, फिर देखिए 2y - 6 और जोड़ क्या है 2, तो देखिए 2y - 4, क्योंकि -6 और +2 -4 हो जाएगा। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इजक्वल टू क्या है 7 14 15 14। अब देखिए तुलनीय व्यू है, तो तुलनीय व्यू यानी तुलना करने लायक है, यानी इसका तुलना होगा 7 से, क्योंकि 2x + 3 के स्थान पे क्या है 7 है, तो 2x + 3 इजक्वल टू क्या है 7। तो अब देखिए 2x + 3 को ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x = 7 घटा 3, देखिए 2x = 4, 2x = क्या हो गया 4। अब देखिए x = जो हो जाएगा 4/2, तो 2 दूनी 4, x का मान कितना निकल गया 2। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा 2y - 4 = क्या है 14, 2y - 4 के स्थान पे क्या है यहाँ पे 14, तो बराबर 14 कर दिए, ठीक ना। तो अब यहां देखिएगा 2y = 14 और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, प्लस क्या हो जाएगा 4, तो अब देखिए 14 और 4 क्या हो गया 18, तो 2y = 18, तो 2 * 18, क्योंकि उधर जाएगा तो 2 भाग लगता, तो y = कितना हो गया 9, यानी x = 2 और y = 9 आंसर हो गया, ठीक ना। x = क्या हो गया 2 y = 9। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो देखिए, ये 26 नंबर KCC ना 5.1 एक्सरसाइज का 26 नंबर का ये क्वेश्चन है, बताने जा रहा हूँ, इसमें x का मान निकालना है, x एक आव्यूह है, तो देखिए बहुत ही आसान, x प्लस ये आव्यूह बराबर इतना है, तो ये प्लस है तो जानते हैं ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x = जो हो जाएगा देखिए 4 0 -7 और 6, तो माइनस ये देखिए ये टर्म उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 5 3 2 होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस है, उस पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखिएगा 4 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 2, 0 में से 5 घटेगा तो -5 होगा, क्योंकि 0 घटा 5 -5, -7 और घटा -3, देखिए -7 - 3 क्या हो गया -10, और 6 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 4, ये आपका आंसर हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया 26 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। देखिए KCC ना 5.1 एक्सरसाइज का ये आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है, शायद ये सबसे अंतिम क्वेश्चन होगा और इसके बाद फिर मैं अगला एक्सरसाइज चालू करूंगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, कह रहा है कि x + y =
ये अव्यय है और x माइनस वाई बराबर ये अव्यय हो, तो x और y का मान निकाले, x अव्यय और y अव्यय का मान निकाले। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण एक मान लिया और इसको समीकरण दो। आप तो ये 10th में पढ़े होंगे इस प्रकार, ये रैखिक समीकरण से के जैसा लग रहा है। तो अब देखिए समीकरण एक और समीकरण दो से, तो देखिए समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, एक जोड़ दो करने पर, समीकरण एक और दो को क्या करेंगे जोड़ने पर, तो देखिए ये प्लस वाई और ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई माइनस वाई कट गया कि नहीं। देखिए एक्स और एक्स क्या हो गया, टू एक्स, एक्स और एक्स क्या हो गया, टू एक्स। अब देखिए ये दोनों जुट रहा है, तो देखिए पहला स्थान पे यहाँ पांच है, यहाँ पहला स्थान पे क्या तीन, तो पांच और तीन कितना हो गया आठ। फिर देखिए दो और छ कितना हो गया आठ। फिर जीरो जोड़ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। फिर देखिए नौ जोड़ घटा एक, नौ में से एक जाएगा क्या बचेगा, आठ। अब आप ध्यान दीजिएगा ये आपका हो गया आठ आठ जीरो आठ। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, टू एक्स इजक्वल टू, यहां से दो कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लेंगे, दो। तो दो जब कॉमन ले लेंगे तो चार चार जीरो चार हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दो चौके आठ, दो चौके आठ, दो चौके आठ, ठीक ना। ये दो और ये दो क्या हो गया, कैंसिल। तो इसलिए एक्स बराबर जो हो गया चार चार जीरो चार, एक्स का मान हो गया, अब एक्स का मान निकल गया हमको। अब देखिए आपको, हमको वाई का मान निकालना है। तो समीकरण ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी लोग, समीकरण समीकरण एक या दो किसी में, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, क्योंकि अभी को छोटी अक्षर से नहीं इंडिकेट किया जाता है, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, तो ध्यान दीजिए समीकरण एक आपका क्या है, समीकरण एक जो है आपका ध्यान दीजिएगा, यह है एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, पांच दो जीरो नौ, समीकरण एक ये है आपका, है ना। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा एक्स का मान क्या निकला, चार चार जीरो चार, तो चार चार जीरो चार प्लस वाई बराबर पांच दो जीरो नौ। अब देखिएगा ये प्लस है, उस उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस। तो वाई इजकल टू पांच दो जीरो नौ माइनस चार चार जीरो चार। अब यहां देखिएगा विद्यार्थी लोग, तो देखिए पांच में से चार घटेगा तो क्या बच जाएगा, एक। पांच में से चार घटेगा एक, दो में से चार घटेगा तो क्या बच जाएगा, माइनस दो, माइनस दो बच जाएगा। फिर देखिए जीरो घटा जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। और नौ में चार घटेगा क्या बचेगा, पांच। तो यही आपका वाई का मान हो गया, ये आपका क्या हो गया, वाई का मान हो गया, एक्स का मान ये हो गया। आज के वीडियो में मैं इतना ही, अब मैं 5.2 अगले वीडियो में बनाऊंगा। उम्मीद होता है इस एक्सरसाइज का सारा प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगा। यदि कोई सवाल नहीं बन पाएगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो मैं उससे बना दूंगा। रेगुलर मैं केसी सिन्हा 12th का टोटल बुक का एक्सरसाइज मैं बनाऊंगा। मेरे चैनल से जो भी नहीं जुड़े हैं वो यथाशीघ्र मेरे चैनल से जुड़े हैं, और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट और लाइक के माध्यम से बताएंगे।